नमस्कार दोस्तों, वेलकम आवर चैनल क्रिक 11 हब पे आपको एक और बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया 4 T20 मैच जो 13 जुलाई सैटरडे इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 4:30 हरे स्पोर्ट्स क्लब पे होने वाला है। उसी मैच के बारे में वीडियो पे बात करेंगे। पिच रिपोर्ट, दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो हरे स्पोर्ट्स क्लब का जो पिच है इसको हम लोग बैलेंस पिच कह सकता है, जहाँ पे बैट्समैन एंड बॉलर को दोनों को अच्छा खासा मदद मिल सकता है। शुरुआती ओवर में पेसर को थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल सकता है एंड पूरा मैच पे ही गेम पे स्पिनर को अच्छा खासा मदद मिलेगा और बैट्समैन भी यहाँ पर अच्छा खासा रन बना सकता है, खास करके फास्ट इनिंग्स पे। सेकेंड इनिंग्स पे पिच थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, एवरेज फास्ट इनिंग्स को 150 के आसपास है, लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो 180 के ऊपर भी स्कोर बन सकता है और अगर जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करेगा तो 150 के अंदर ही ऑल आउट हो सकता है, तो ये भी आप ध्यान पे रखिएगा। और जो भी टीम यहाँ पे आपको टॉस जीते हुए दिखेंगे उसको अब बैटिंग करते हुए यहाँ पे दिख सकता है, क्योंकि पिच धीरे धीरे यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स पे स्लो डाउन होते हुए आपको दिखेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में इससे पहले 11 मैच पे आमना सामना हुआ है, जिसमें से जिम्बाब्वे 3 और इंडिया ने 8 मैच पे जीत हासिल किया है। और इस सीरीज की बात करें तो सीरीज में भी तीनों मैच पे आमना सामना हुआ था, जिससे पहले जिम्बाब्वे ने पहले मैच पे जीत हासिल किया था, बाकी लास्ट 2 मैच पे इंडिया ने जीत हासिल किया है और इस मैच पे भी इंडिया को थोड़ा सा आगे रहना चाहिए, लेकिन हम लोग एक फाइटेबल मैच की उम्मीद कर सकता है हार्ड स्पोर्ट्स क्लब पे। प्रोबेबल प्लेइंग 11, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जिम्बाब्वे का प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपनिंग में वेस्ली माद्रवे, उसके साथ तादी वासे मारुमानी, ब्रेन बेनेट, डैन मायर्स, कप्तान सिकंदर राजा, जोनाथन कैम्बल, विकेट कीपर बैट्समैन क्लाइव माद्रवे, वेलिंगटन मजलाकाजा, रिचर्ड नकरवा, ब्लेजिंग मुजरावानी और टेंडाई चतरा को हम लोग जिम्बाब्वे की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। जिम्बाब्वे की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो टेंडाई चतरा, ब्लेजिंग मुजरावानी, रिचर्ड नकरवा और वेलिंगटन मजलाकाजा, सिकंदर राजा और ब्रेन बेनेट को हम लोग जिम्बाब्वे की तरफ से बॉलिंग करते हुए देख सकता है। जिम्बाब्वे की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो रिचर्ड नकरवा के साथ टेंडाई चतरा और उसके साथ ब्रेन बेनेट आपको शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग करते हुए देख सकता है। डेथ ओवर में भी टेंडाई चतरा के साथ ब्लेजिंग मुजरावानी और उसके साथ निचर रंगनाबा आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए देखेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल, उसके साथ कप्तान सुमन गिल, वन डाउन पे अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अवेश खान और खालिद अहमद को हम लोग इंडिया की तरफ से खेलते हुए देख सकता है। इंडिया की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो खालिद अहमद, अवेश खान, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर चारों मेन ऑप्शन है, उसके साथ साथ शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा भी आपको इंडिया की तरफ से बॉलिंग करते हुए देख सकता है। इंडिया की तरफ से शुरुआती ओवर की बात करें तो अवेश खान के साथ खालिद अहमद, उसके साथ अभिषेक शर्मा आपको शुरुआती पावर प्ले पे बॉलिंग करते हुए देखेंगे और डेथ ओवर में भी अवेश खान के साथ खालिद अहमद, उसके साथ रवि बिश्नोई आपको डेथ ओवर में एक आधा ओवर बॉलिंग करते हुए देख सकता है इंडिया की तरफ से। जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया ड्रीम 11 टीम। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए क्रिक 11 हब ऑफिशियल, हमारे चैनल दिखाई देगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम बहुत ही जरूरी है क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, स्मॉल लीग का ड्रीम 11 टीम क्या होगा वो देख लेते हैं। तो विकेट कीपर सिक्सर से यहाँ पे हम लोगों ने मंडे को पिक किया है। आप चाहो तो संजू सैमसन को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा संजू सैमसन। तुरामानी भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देख सकता है आपको, इसके साथ भी आप लोग जा सकते हो। हम लोग फिलहाल के लिए मंडे को पिक किया है, आप चाहो तो संजू सैमसन को भी ट्राई कर सकते हो। संजू सैमसन भी इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन पे चलते हैं। बैटिंग सेक्शन से ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल को पिक किया है, तीनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इंडिया की तरफ से। सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल आपको ओपनिंग में और ऋतुराज गायकवाड़ आपको 2 डाउन पे बैटिंग करते हुए देखेंगे इंडिया की तरफ से, तीनों ही बहुत ही भरोसेमंद बैट्समैन है, तो आपके स्मॉल लीग पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। आप यहाँ पे माद्रवे को भी ट्राई कर सकते हो, माद्रवे आपको ओपनिंग में बैटिंग करते हुए देखेंगे जिम्बाब्वे की तरफ से,
डैन मेयर्स भी लास्ट मैच में एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेला था, तो इनके साथ भी आप लोग जा सकते हो। मेरे ख्याल से मिनी जेल पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है इन लोगों ने। रिंकू सिंह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंडिया की तरफ से, खासकर अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा उस टाइम पे आप मिनी जेल पे इनको ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मिनी जेल पे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन पे चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से सिकंदर राजा, अभिषेक शर्मा और वाशिंगटन सुंदर को हम लोगों ने पिक किया है। आप चाहो तो यहाँ पे बैरेट को ट्राई कर सकते हो जिम्बाब्वे की तरफ से। शिवम दुबे भी इंडिया की तरफ से एक अच्छा ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। मिनी जेल पे शिवम दुबे को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। दो तीन ओवर बॉलिंग करेगा, उसके साथ साथ बैटिंग करने आएगा थोड़ा सा नीचे। अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर को जिस टीम पे फ्लॉप मान रहे हो उस टीम पे शिवम दुबे को आप ट्राई कर लेना, आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। यहाँ पे सिकंदर राजा तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, आप छोड़ ही नहीं सकते हो स्मॉल लीग पे। अभिषेक शर्मा भी सेम है। वाशिंगटन सुंदर को भी आप पिक कर लोगे क्योंकि लास्ट इनिंग्स में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया था, इससे पहले वाला इनिंग्स पे भी अच्छा खासा बॉलिंग किया था, तो स्मॉल लीग पे मास्टर पिक। इन तीनों को आप छोड़ नहीं सकते हो। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे चलते। बॉलिंग सेक्शन से रवि मिश्रा, अवेश खान, ब्लेजिंग मुजराबानी को हम लोगों ने फिलहाल के लिए पिक किया है। खालिद अहमद को भी इंडिया की तरफ से हम लोगों ने पिक किया है। अब चाहो तो चतरा या नगराबा को भी ट्राई कर सकते हो जिम्बाब्वे अगर पहले बॉलिंग करेगा, तो ये दोनों भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। वेलिंगटन मजाकाजा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे ख्याल से। जीएल या मिनी जीएल पे आप ट्राई कर सकते हो। मुकेश कुमार अगर खेलेगा तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। जोंगवे शायद खेलेगा, नहीं खेलेगा तो आप ट्राई कर लेना। तुषार देशपांडे अगर इंडिया इनको मौका दे तो इनको भी आप पिक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सिकंदर राजा को कैप्टन और अभिषेक शर्मा को फिलहाल के लिए वाइस कैप्टन में ट्राई किया है। वाइस कैप्टन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इंडिया का बॉलिंग के साथ भी किसी के साथ भी जा सकते हो अपने हिसाब से। तो फिलहाल के लिए एडाई हमारी अभी तक का टीम। फाइनल अपडेट जो भी होगा वो हमारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।